कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल होने में सिर्फ एक घंटा बाकी। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुतालिक फैसले भी आज सुनाए जाएंगे। शाह महमूद और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज। आजम सवाती, उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की अहलिया के कागजात मुस्तरद। NA 50 से जुल्फी बुखारी के कागजात भी मुस्तरद। सनम जावेद के कागजात पर दो एतराज आयद। आबिद शेर अली के कागजात पर भी एतराज। मरियम नवाज के चार हलकों से कागजात दुरुस्त करार। यूसुफ रजा गिलानी और अली मूसा गिलानी की भी स्क्रूटनी कर ली गई। बहुत से लोग कहते हैं कि सोलामा की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते उसका गुमान किसी को भी ना होता। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात का सब्र से सामना किया, दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट मुकम्मल कराए, मेरी बहुत मदद की, हर तरह हाथ मजबूत किए। लोड शेडिंग का खात्मा शहबाज शरीफ की मेहनत के बगैर मुमकिन न था। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि चार साल मुश्किल से गुजरे, पार्टी पाबंदी सलासल थी, नून लीग पर जुल्म ढाया जा रहा था, खौफ का समा था। मरियम नवाज ने उस वक्त पार्टी की बहुत खिदमत की, आइंदा भी मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मरियम नवाज का कहना था कि पार्टी के साथ जुल्म हुआ तो मैं मैदान में निकली, पूरी सलाहियत से जिम्मेदारियां अंजाम दी, झूठे मुकदमात खत्म हो गए तो समझा कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, किसी टिकट और ओहदे की तवक्को कभी नहीं रखी। पीटीआई इंतखाबी निशान केस में अपील दायर। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में दो अलग अलग दरख्वास्तें दायर की। एक दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट से फैसले पर नजरेस्तानी की सदा, दूसरी में छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने नाकिस दरख्वास्त दी, ये शफाफ इंतखाबात नहीं कराना चाहते, अदालतों के साथ मजाक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त नेक नियति पर मबनी नहीं। इंतखाबात के हवाले से तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर है। सियासी सरगर्मियां और इंतखाबी मुहिम हर किसी का हक है। निगरान वज़ीरे आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि हमारी तरजीह आवाम को सहूलियात फराहम करना है। 10 साल की तरक्की एक तरफ और गुज़श्ता 10 माह की तरक्की एक तरफ है। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बना रहे हैं। रावलपिंडी में पानी के मसले पर भी काम जारी है। सरकारी अस्पतालों के हवाले से काम जारी है। उम्मीद है कि आइंदा आने वाली हुकूमत तरक्याती मंसूबों को जारी रखेगी। मुर्तजा वहाब ने नून लीग और MQM को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कि MQM वाले मोहसिन कुश हैं, जिसकी वजह से गाड़ी और झंडा मिला उसी को डंडा मार दिया। मियां बिरादरान के बयान से कराची और लाहौर की दो मिसाल में फर्क जाहिर होता है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अदालतें नून लीग की ख्वाहिशात पर फैसला करने की पाबंद नहीं। PTI के इंतखाबी निशान के अदालती फैसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी 9 मई वाकयात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला का इख़बार बराए तआवान की वारदातों पर बरहमी का इजहार। मुखबियों की फौरी बाजियाबी की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने का हुक्म। मकबूल बाखर ने कहा कि आम इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर पर हैं, सूबे में अमन अमान बेहतर होना चाहिए ताकि लोग इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। तमाम थाने अपनी हदूद में पेट्रोलिंग बेहतर करें। जिस थाने से अगवा की वारदात हुई उस थाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्मी चीफ ने किसानों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ के खिताब से हम बड़े मुतमईन हैं। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाशिम डोगर ने कहा कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बिजली की ओवर बिलिंग के मसाइल हैं, बिजली कंपनियां किसानों पर मुकदमा दर्ज करा रही हैं। वज़ीरे आज़म और आर्मी चीफ ने कौमी सतह पर कमेटी बनाने का ऐलान किया। हम उम्मीद करते हैं कि कमेटी किसानों के मसाइल हल करेगी।